Assalamualaikum viewers, तो कैसे हैं आप? मैं हूं नूर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ पाउंड्स बीबी क्रीम पे प्लस डर्माकोल के ऊपर रिव्यू दे रही हूं कि पाउंड्स बीबी क्रीम या किसी भी बीबी क्रीम में क्या डिफरेंस है और डर्माकोल में क्या डिफरेंस है। तो बीबी क्रीम क्या करती है? बीबी क्रीम लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, ठीक है। आपको इतनी सी कवरेज देगी जितना आप कैजुअल मेकअप में अप्लाई कर सकते हो, या अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने वाली लड़की हो तो आप लाइट वेट फाउंडेशन के तौर पे इसको यूज कर सकते हो इजीली। किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने कोई फाउंडेशन लगाई हुई है। प्लस ये आपको नेचुरल लुक देगा, ग्लो लेकर आएगा आपके फेस के ऊपर और मैट लुक देगा, ठीक है। कोई आपकी ये ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, हर टाइप के स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर SPF 30 है, मतलब आपको सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो आपको किसी सन ब्लॉक की, किसी मॉइस्चराइजर की कोई जरूरत नहीं है। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेस को और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाए तो उसका लगाने का भी कुछ तरीका होता है। वैसे तो मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ कि आपने इसको किस तरह से लगाना है, लेकिन मैं इसको फिर भी इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। आप जब भी लगाओ तो अपने मेकअप के लगाए स्टार्ट करने से पहले स्पेशल ड्राई स्किन वाले हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया, देन आपने प्राइमर लगाकर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। आप देन ये बीबी क्रीम लेके आप ब्रश के जरिए से टैप करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। स्पंज भी ले सकते हो, लेकिन ब्रश ले लो ज्यादा अच्छा है, लिक्विड फाउंडेशन जो है ये, ठीक है। आप इसको टैप कर सकते हो, टैप करने के बाद आप इसके ऊपर फेस पाउडर लगा सकते हो। बीबी क्रीम को आप एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हो। बीबी क्रीम बहुत ज्यादा अच्छी है और ये मैंने खुद ट्राई करके भी देखा है, आपके फेस के ऊपर स्वेट नहीं आता इसके बाद। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बीबी क्रीम में है, आपको मिल जाएंगे, पाउंड्स में भी है, फेयर लवली में भी है। मुझे पाउंड्स बहुत ज्यादा अच्छी लगी, दैट्स व्हाई मैंने ये ले ली। और ये 450 रुपीज की है, बहुत अच्छी ज्यादा कंपनी है। और इसका अप्लाई करने का भी तरीका बाकी सेम फाउंडेशन की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। देन आपने प्राइमर वगैरह लगाया, प्राइमर के बाद आप इसको लगा ले फाउंडेशन को, टैप कर लिए अच्छी तरीके से, फेस पाउडर लगाया, देन आप इसके ऊपर मेकअप कंप्लीट कर लिए, ब्लश ऑन वगैरह सारा कुछ लगा के, देन आप हल्का सा स्प्रे कर लें तो ये आपका कैजुअल मेकअप लुक बन जाएगा। आपको किसी फाउंडेशन की या कोई महंगी महंगी बेसिस की कोई जरूरत नहीं है, आप कैजुअल मेकअप में बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास है डर्माकोल। डर्माकोल बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपको फेक और रियल दोनों चीजें मिलती हैं। ये मेरे पास जो है ये रियल है और इसकी गारंटी में मेरे शॉपकीपर ने भी मुझे दी है, और ये मैं भी आप लोगों को देती हूँ कि ये रियल है, क्योंकि मैंने इसको अप्लाई करके भी देखा रियल और फेक में क्या डिफरेंस है। कि फेक आपको इतनी कवरेज नहीं देता, ये जो डर्माकोल के बेस है ये फुल ब्राइडल कवरेज है, ये आपको फुल ब्राइडल कवरेज देगा। और ये गारंटी के साथ मैं आपको कहती हूँ कि वाकई में कवरेज देता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी इसको लगा के अपने हैंड पे कि किस तरह से मेरे वेन्स कवर कर ली थी इसने, जो मेरे हाथ पे वेन्स नजर आ रही होती हैं। तो डर्माकोल मैंने घर लाते साथ जब मैं डर्माकोल लेने गई तो उन्होंने कहा कि आपको कौन सा वाली चाहिए, फेक चाहिए या रियल चाहिए। तो मैंने कहा फेक कितने की है, वो कहते हैं 250 रुपीज की, और मैंने कहा रियल कितने की है, वो कहते हैं कि 1000 की है, हम आपको लेस करके, मैं काफी 3 साल हो गए उनसे सामान ले रही हूँ, तो उन्होंने कहा हम आपको 900 रुपीज की ये दे देंगे, क्योंकि मैंने काफी चीजें ली थी तो उन्होंने मुझे 900 रुपीज की ये दे दी डर्माकोल। तो जब मैं लेकर आई घर पे एंड जब मैंने लेके अप्लाई किया तो ये वाकई में बहुत आला। मैंने एक साइड पे बीबी क्रीम लगाई एंड एक साइड पे मैंने डर्माकोल लगाई, और आप यकीन मानो कि मेरी मम्मा के जितने छाइयां वगैरह थे, निशान थे आंखों के नीचे, कोई क्रीज नहीं हुआ, छाइयां सारा कुछ, निशान सब कुछ कवर हो गया था। उनकी 50+58 है, तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि उनके सारे निशान छाइयां वगैरह जो आपकी पढ़ना शुरू हो जाती है, इस एज में लाइंस पढ़ना शुरू हो जाती है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। एंड स्पेशल बीबी क्रीम तो ऐसा लग रहा था कोई आपने फाउंडेशन लगाया ही नहीं, और कवरेज भी आपको प्रोवाइड कर रहा था। तो डर्माकोल आप एज अ ब्राइडल भी बेस यूज कर सकते हो, पार्टी वेयर के लिए आप डर्माकोल यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी है, इजिली आप लगा सकते हो। जिस तरह बाकी फाउंडेशन लगाने का तरीका है, सेम इसका भी यही है। आप इसके अंदर भी SPF है, ठीक है, ये भी आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा स्पेशली ब्राइडल्स के लिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है। आप प्राइमर लगाओ, आप मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज करो, आप मॉइस्चराइजर लगाओ, आप ये जिस तरह बेस लगाने का तरीका होता है वैसे आप इसको लगाओ, आपकी फुल कवरेज देगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो फेक और रियल आप एक दफा देख लें, फेक आपको कवरेज नहीं देगा, वो बेकार है, 250 भी लगाना वो भी जाया है। इसके बजाय आप अच्छी वाली और महंगी वाली रियल वाली फाउंडेशन ले लें तो ज्यादा अच्छी बात है।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आप चाहते हो कि इसकी आप रियल फाउंडेशन हासिल कर सको तो मैं कोशिश करूँ कि मैं अपनी वीडियो के नीचे लिंक दे दूँ जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ कि आप कहाँ से ये बाय कर सकते हो। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं अपनी चैनल के नीचे लिंक दे सकूँ। और दूसरी बात, ये अप्लाई करने का भी यही तरीका है जिस तरह आप बाकी फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हो। आपने अपने स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, प्राइमर अप्लाई करना है, देन ये बेस लगा लेनी है, फेस पाउडर आपने जरूर लाजमी यूज करना है, ठीक है। और जिस तरह एंड पे आप मेकअप फिक्सिंग स्प्रे कर ले तो ये वाकई में आपकी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बेस बन जाएगी। दोनों स्पेशली बीबी क्रीम यंग लेडीज के लिए हैं जो बाहर जाती हैं, कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी जाती हैं, बार बार कहती हैं कि हमारी स्किप होती है या केकी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्वेट आना शुरू हो जाता है। तो डियर, ये आप लोगों के लिए नेचुरल लुक आएगा, कोई नहीं, लाइट वेट फाउंडेशन है, पता ही नहीं चलना कि आपने कोई फाउंडेशन अप्लाई भी की है अपने फेस के ऊपर। और अगर आप प्रॉपर मेथड देखना चाहते हो कि आप किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो स्पेशली फॉर समर। प्लस पैनकेक के ऊपर भी रिव्यू दिया है, अगर आप पैनकेक भी यूज करना चाहते हो, उससे फाउंडेशन बनाना चाहते हो, तो वो भी आपको मैंने बताया है कि ड्राई स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले कैसे बना सकते हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो वीडियोस में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं मजीद किसी और कंपनी पे भी रिव्यू दूं तो आप वो भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ। आप ये देख सकते हो वीडियो में कि मेरी वेंस को हल्का सा मैंने लिया, जस्ट टैप के एंड वो कवर होगी मेरी वेंस वगैरह। मैं अपने मंदर को सामने नहीं ला सकती, सॉरी, वरना मैं उनपे किसी, मेरे पास ना कोई है जिसपे मैं लगा के दिखा सकूं। तो खैर, मैंने आपको हाथ पे लगा के दिखा दी कि किस तरह से कवरेज प्रोवाइड करती है। मैं इसकी गारंटी देती हूँ, आप जाओ और जाके रियल वाली लो, आपको कवरेज ना मिली तो बात करिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।